यह है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाटर बैराज, जिसे इंद्रपुरी के नाम से जाना जाता है, यानी इंद्रपुरी बैराज। तो एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में आप सबका मोस्ट वेलकम है। तो एक नए वीडियो के साथ नए दिन की शुरुआत हो रही है। मैं इस वक्त हूँ इंद्रपुरी डैम, जनरली इंद्रपुरी डैम इसको बोलते हैं, बट ये इंद्रपुरी डैम नहीं है, इंद्रपुरी बैराज है जो सोन नदी पे बनाया गया है। तो आप डिहरी से जब 9 किलोमीटर दूर आएंगे रोहतास के रास्ते में, तो ये बहुत बड़ा इंद्रपुरी बैराज मिलेगा, जो विश्व का चौथा सबसे बड़ा बैराज है। ये चौथे नंबर पे है पूरे विश्व में। आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा बैराज है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें 60 गेट हैं। बैराज की लंबाई है 1.5 किलोमीटर, इसमें 60 फाटक हैं। तो ये बहुत बड़ा बैराज है। जनरली इसको डैम लोग बोल देते हैं। डैम और बैराज में फ़र्क होता है। डैम क्या होता है कि उसमें भी फाटक होते हैं, इसमें भी फाटक। डैम में जो पानी स्टोर किया जाता है वो बहुत बड़े एरिया में, और उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कंक्रीट का होता है और मज़बूत होता है। आप जब भी डैम में गए होंगे तो आप देखे होंगे डैम के आसपास पहाड़ भी, छोटे छोटे हिल होते हैं जो पानी को रोकते हैं, और एक साइड जो होता है डैम का वो सीमेंट की बहुत मोटी कंस्ट्रक्शन होती है, बहुत मजबूत कंस्ट्रक्शन होती है, और उसी में फाटक होते हैं। डैम के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है, सिंचाई के लिए भी यूज होता है, और बैराज में इलेक्ट्रिसिटी पैदा नहीं होता। नदी के पानी का जो बहाव होता है उसे एक अलग डायरेक्शन में मोड़ दिया जाता है, इसी को बैराज बोलते हैं। तो इसमें ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, बड़ी मोटी मोटी दीवारें नहीं बनाई जाती है, बस फाटक एक तरफ से नदी के पानी को मोड़कर दूसरी तरफ लाकर, मतलब एक किनारे पर मोड़कर फाटक बना दिया जाता है। बैराज का मेन काम होता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा नहीं होती है, इससे नहर निकाली जाती है। मतलब कि यहाँ पे ये जो बैराज है इंद्रपुरी बैराज, यहाँ से बड़ी बड़ी नहर, 2-3 बड़ी नहर निकाली गई है जो सिंचाई के लिए यूज होते हैं। तो आइए चलिए आपको दिखाते हैं एकदम पास से जाकर, और नहर भी दिखाएंगे, और लोकेशन भी यहाँ का बहुत खूबसूरत होता है, लोग बहुत दूर दूर से घूमने आते हैं। तो एक तरह से ये बिहार का एक टूरिस्ट प्लेस है, घूमने की जगह है, बहुत दूर दूर से लोग घूमने आते हैं। तो चलिए देखिए एक बार व्यू, आप देख लीजिए पूरा व्यू, देखिए यहाँ से ये पूरा व्यू है। चलिए अब आपको बिल्कुल करीब से दिखाते हैं पार्ट बाय पार्ट करके। तो देखिए हम डैम की दूसरी तरफ आ चुके हैं, जिधर से आपको फाटक दिख रहा होगा, और सारे फाटक आप देखिए लंबा जो है 60 फाटक है, यानी 1.5 किलोमीटर लंबा है। इस छोर से उस छोर तक आप जाएंगे 1.5 किलोमीटर, ऊपर पुल है, पुल पे भी हम लोग जाकर देखेंगे। और देखिए अभी एक गेट जो है, एक फाटक है, थोड़ा सा खुला है जिसमें से पानी आ रहा है। तो आप अगर 60 फाटक लगातार खुल जाते हैं तो बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है। कुछ लोग यहाँ पे मछली भी फंसा रहे हैं, मछुआरे लोग। तो चलिए अब पुल के ऊपर से आपको दिखाते हैं नज़ारा। तो आप जब भी आएंगे टेहरी की तरफ से, तो सबसे पहले ये आपको कंस्ट्रक्शन दिखेंगे, इसको आप मेन गेट बोल सकते हैं बैराज जाने का। और ये है पुल जो बैराज के ऊपर से बनाया गया है, और देखिए लोग भी आए हैं घूमने के लिए, और ये 1.5 किलोमीटर लंबा है, आप देख सकते हैं। सारे फाटक खोल दिए जाते हैं तब पुल से नज़ारा जो बनता है वो बहुत खूबसूरत बनता है, और जिसे देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। आप देखिए ये 1.5 किलोमीटर लंबा है, आप इस साइड भी देख सकते हैं, इधर पानी नहीं है क्योंकि अभी फाटक बंद हैं। और आप इस साइड देखिए, यानी राइट साइड जो ब्रिज है उसके बिल्कुल बीचों बीच में है, और ये देखिए ये रहा इंद्रपुरी बैराज। देखिए फाटक आप देख सकते हैं, यही जो लोहा है, जो ये तार है एक उस साइड है, इसको उठाने के बाद ये फाटक खुल जाएगा, और अचानक से पानी का बहाव बहुत तेज़ हो जाएगा दूसरी तरफ, जिसमें बहुत आवाज़ भी आती है जब ये फाटक खुल जाता है। तो देखिए कितना कितना मजबूत कंस्ट्रक्शन है, और अभी तक 60 साल हो रहे हैं, 60 50 60 साल हो गए बने हुए इस डैम को,
अभी तक अपनी उसी मजबूती के साथ टिका हुआ है ये। और देखिए यहाँ से एक चीज़ आपको दिखाते हैं, रोहतास पहाड़ी है जिससे रोहतास किला है, वो बहुत खूबसूरत जगह है, बिहार का सबसे खूबसूरत जगह ये पहाड़ी जो देख रहे हैं ये है। और यहाँ से आप नबी नगर थर्मल पावर प्लांट भी देख सकते हैं, आपको जूम करके दिखाता हूँ मैं, ये रहा नबी नगर थर्मल पावर प्लांट। तो बैराज का काम यही होता है कि पानी को, नदी के पानी को डाइवर्ट करके दूसरी दिशा में कर दी जाए। तो चलिए वो नहर अब दिखाते हैं। तो ये देखिए नहर निकाला गया है, आपको आगे से भी दिखाते हैं। तो देखिए हम उस साइड आ चुके हैं जहाँ से नहर निकाली गई, और ये बड़ी नहर है। अब देखिए नहर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फाटक हैं, 7 से 8, कम से कम 100 मीटर की चौड़ाई होगी इसकी। ये बड़ी नहर है, नहर का फाटक जो है वो खुला हुआ है और बैराज का बंद है। इसका मतलब कि सारा पानी इधर डाइवर्ट अभी किया जा रहा है सिंचाई के लिए, क्योंकि अभी सिंचाई की बहुत ज़रूरत है, बरसात का टाइम चल रहा है, धान वन रोपा जाता है। एक ये नहर है और दो और नहर है। चलिए और किसी लोकेशन पे चलते हैं। और साथ में मेरा चेला, पुराना चेला अशफाक है जो बहुत दिनों से गायब थे। तो देखिए हम लोग दूसरी साइड की तरफ हैं जिधर पानी जमा है। देखिए जमाव कितना दूर तक है, कितनी चौड़ाई है इसकी, आप देख सकते हैं नज़र, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी वहाँ तक पानी ही पानी है। तो अभी जस्ट इसके आगे एक नहर दिखाएं आपको और एक नहर पीछे है। तो यहाँ से आप देखिए पूरा फाटक जो है, सारा फाटक आपको दिख रहा है। लोग भी आ रहे हैं धीरे धीरे घूमने के लिए, क्योंकि आज संडे है। तो देखिए एक और लोकेशन पे आए हैं। ये जो आप बनावट देख रहे हैं जिसमें चारों तरफ से ये घेरा गया है सीमेंट से, ऐसे ढेर सारे जगह बनाए गए हैं ताकि लोग आएंगे तो घूमेंगे। और यहाँ से आप देख व्यू कितना खूबसूरत है, फाटक से कुछ दूरी पे है, 200-300 मीटर की दूरी पे। तो यहाँ से जो व्यू बन रहा है, जो नज़ारा बन रहा है, वो बहुत बड़े एरिया में कवर कर रहा है। दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे किसी ऐसे ही लोकेशन के साथ, के लिए जय हिंद।